केंद्र और राज्य सरकार के पहल से लॉकडाउन में बाहर फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के 1084 श्रमिक बंधु स्पेशल ट्रेन के माध्यम से एर्नाकुलम से जसीडीह स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त नैनंसी सहाय एवं वरीय अधिकारियों के द्वारा सभी श्रमिकों का अभिनंदन किया गया और उनके सकुशल घर वापसी हेतु ढेरों शुभकामनाएं दी गई। सर्वप्रथम यहां आने वाले सभी श्रमिकों को ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतारा गया। इसके बाद स्टेशन परिसर में उनका थर्मल स्कैनिंग व स्वास्थ्य जांच संबंधी अन्य सभी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उन्हें अपने घर तक जाने हेतु अलग अलग जिलों की बस में बैठा कर रवाना किया गया। बात करने के दौरान उपायुक्त ने कहा कि श्रमिकों के आने के तुरंत बाद स्वास्थ्य जांच के उपरांत सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर ही की गई थी। सभी श्रमिकों को स्टेशन परिसर से अपने अपने जिलों के लिए निर्धारित सैनिटाइज्ड बसों में बिठाकर घरों के लिए रवाना किया गया। वहीं इस दौरान सभी प्रवासी श्रमिकों को भोजन का पैकेट, पानी का बोतल आदि भी उपलब्ध कराया गया। केरला अर्नाकुलम से जेसीबी आई है और इसमें करीबन 1084 वंदे जो टेबल हैं विभिन्न जिलों के। मैक्सिमम नेबर आपके पलामू, बोकारो, कोडरमा और देवघर के ही हैं और बाकी कुछ अन्य जिलों के हैं। 10-12 ऐसे के मैक्सिमम सभी, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कोच वाली बोकार के उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद उनको उनके जिले सारे बसेज और फिर बसेज वगैरह जाती है उसके माध्यम से उनको अपने गृह जिले में हम लोग पहुँच रहे हैं। और ये सिलसिला भी काफ़ी सारे ट्रेन विभिन्न राज्यों से घूम रहे हैं जो कि प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर झारखंड।